नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, सबसे पहले बात करें अगर कैसा सीड की, तो हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का वायदा बाजार NCDX पर आज अगर फरवरी वायदे की बात की जाए तो 6300 के ऊपर निकल चुका है, 6370 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6388 का हाई लगा चुका है, आधे फीसदी की तेजी है। रूपा जी, देख रहे हैं कि कैसा सीड में लगातार तेजी देखने को मिल रही है 6200 के बाद, अब कैसा सीड कल शाम से ही 6300 के ऊपर सस्टेन होकर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर कैसा सीड 6300 के ऊपर सस्टेन रहने में कामयाब होता है तो क्या कैसा सीड 6500 के भी लेवल्स दिखा सकता है? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है 6500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं कैस्टर के अंदर, लेकिन छुटमुट करेक्शन के साथ बाजारों में खरीदारी देखने को मिलती रहेगी और बिल्कुल आप मान सकते हैं कि फरवरी वायदा 6500 तक ऊपर जा सकता है। जी, ये सर ऊपर जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि एक रेंज में हो गया है, अब आपको क्या लगता है क्या यहाँ से अभी करेक्शन बननी चाहिए जिससे कि निचले स्तरों पर खरीदारी निकले और 3300 के ऊपर के लेवल्स फिर से देखने को मिले, या फिर यहीं से बाइंग इनिशिएट हो जाएगी? देखिए, नीचे में देखिए थोड़ी करेक्शन जरूर एक्सपेक्टेड भी थी। अखिलेश, मैंने पहले भी बोला था कि 3400 तक ऊपर जाने के बाद एक हल्की करेक्शन आप देख सकते हैं, लेकिन 3400 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं आई मार्केट की और अगेन प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा भी दबाव नहीं है, हल्की फुल्की करेक्शन है, उसके बाद वापस से बाउंस बैक आएगा। नीचे में 3280 या मैक्सिमम फरवरी में 3260 तक एक बार लग रहा है कि डाउन साइड आ गया, तो वहां से अगेन बाइंग इनिशिएट हो सकती है जो कि इसको फिर 3500 तक ले जा सकती है। आप देखिए कॉटन के अंदर, आप देखिए जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वायदा के अंदर हम कॉटन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 33,000 के आसपास था, जब हमने बोला था कि 35,000 से 36,000 का स्तर देखने को मिल सकता है, आप देखिए आज 36,000 के ऊपर कॉटन निकल चुकी है वायदा के अंदर, और कॉटन के अंदर भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है और बिनौला खल में भी एक्सपेक्टेड है कि यहां से 3500 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से कॉटन में तेजी बनती नजर आ रही है उसका असर कहीं ना कहीं बिनौला खल की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। और दूसरा, आपको बता दें कि इस बार दूध का उत्पादन भी कम भी देखने को मिला है, जिससे बिनौला खल की इंडस्ट्रियल डिमांड पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर से निकल के सामने आ सकती है, तो बिनौला खल में आगे इंडस्ट्रियल डिमांड उठती नजर आ सकती है और इस बार बिनौला खल की जो कमी है वो भी महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से बिनौला खल में आगे तेजी का रुझान रह सकता है। रूपा जी ने हमेशा बिनौला खल में अभी तेजी का ही रुझान बताया और उन्होंने ये भी कहा कि आगे जाके बिनौला खल में 3500 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये सर रूपा जी, बिनौला खल के बाद बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हमने देखा है कि लगातार तेजी ही बनती नजर आ रही है, चाहे हल्दी हो, धनिया हो, जीरा हो, तीनों ही मसाला पैक में काफ़ी शानदार बढ़त है। धनिया अप्रैल वायदा 10,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जीरे की बात करें तो जीरे का मार्च वायदा 18,400 के ऊपर निकल चुका है, और हल्दी भी देख रहे हैं कि हल्दी का अप्रैल वायदा 10,890 पर है और 11,148 का हाई लगा चुका है। रूपा जी, सबसे पहले आज मसालों में हल्दी पे बात करना चाहूँगा आपसे। हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जो दक्षिण भारत में बारिश हुई थी उसकी वजह से हल्दी की जो खड़ी फसलें थी, जो क्रॉप थी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है, क्रॉप डैमेज काफ़ी देखने को मिला है। ऐसे में आपको क्या लगता है क्या हल्दी में यहाँ से और तेज़ी बन सकती है, और क्या अच्छी तेज़ी बनने से पहले यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आनी ज़रूरी है? ऑलरेडी मार्केट करेक्शन के बाद ही उठा है और अभी यहाँ से हल्की फुल्की करेक्शन आ सकती है, बहुत ज्यादा भी फिलहाल करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे हमने आप देखा, इसको 11,148 तक का हाई लग चुका है, उसके बाद आप देखिए 10,890 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी ये ऊपरी स्तरों से ऑलरेडी लुढ़क चुका है। अब नीचे में ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ से गिरावट आती भी है तो 10,600 से लेकर 10,000 मैक्सिमम डाउन साइड हो सकता है, लेकिन वहां से अगेन बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है जो कि 12,000 तक इसको ऊपर ले जा सकता है। फंडामेंटल अभी मसालों का काफी सपोर्टिव है, चाहे वो जीरा हो, हल्दी हो या फिर धनिया, तीनों ही मसालों में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। जीरा भी आप मान के चलिए कि 20,000 तक के स्तर दिखा सकता है, और जीरे के साथ साथ धनिया भी ऊपर में अभी एक्सपेक्टेड है कि 11,000 से लेकर 12,000 तक की तेजी धनिया कैपिटल वायदा में भी देखने को मिल सकती है। जी, ये सर ऊपर जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम का फरवरी वायदा देख रहे हैं 12,000 के पार निकल चुका है, 12,180 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और ग्वार सीड भी 6400 के ऊपर है, 6520 का ही लगा चुका है। रूपा जी, आपने जो टारगेट दिया था कि ग्वार गम में 12,000 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और ग्वार सीड में 6500 के, आज आपका वो टारगेट फिर से अचीव होते नजर आ चुका है, अब आपको यहाँ से क्या लगता है यहाँ से आगे तेजी कंटिन्यूशन में रहेगी या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बनेगी?
देखिए हल्की फुल्की करेक्शन आ सकती है क्योंकि तेजी काफी देख ली हमने, लेकिन अब देखिए अगर यहाँ पर मार्केट सस्टेन रहता है, ग्वार गम 12,000 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो यहाँ से अब जो टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 13,000 से 15,000 तक की तेजी ग्वार गम में बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं सीड भी 6,800 से लेकर 7,000 तक की तेजी की तरफ मार्केट जा सकता है, यानी काफी बुलिश बन रहा है। अभी जो है डिमांड अहम रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है, अगर इन्हीं लेवल्स के ऊपर फिर से मांग मार्केट में निकलती रही तो बाजारों में एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अदरवाइज अगर यहाँ पर ट्रेडर्स की तरफ से ह्यूज सेलिंग की गई तो फिर एक प्रेशर जो है वो इस कमोडिटी पर बन सकता है। स्टिकली स्टॉप लॉसेस के साथ इसमें बाइंग में बना रहा जा सकता है, जिसके पास माल रखा हुआ है वो कुछ एक लिक्विडेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अब अगर तेजी बनी तो 13,000 से 15,000 तक ग्वार गम को ले जा सकती है और सीड जो है 6,800 से 7,000 तक ऊपर जा सकती है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से ग्वार गम और ग्वार सीड में करंट सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं, उसके मुताबिक तो रूपा जी को यही लग रहा है कि ग्वार गम और ग्वार सीड में आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है। यहीं से रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो आज हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजार में US सोयाबीन में तेजी देखने को मिली है, $1,370 प्रति बुशल पर ट्रेड करती नजर आ रही है। वहीं पर हमने कल के कारोबारी सत्र में NCDX पर भी सोयाबीन में कुछ खरीदारी बनते हुए देखी थी, निचले स्तरों से 6,350 से 6,400 के बीच में बाजार घूमता हुआ नजर आया था। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में आगे जाके कुछ यहाँ से तेजी बनती नजर आ सकती है, क्योंकि विदेशों में तो देख रहे हैं कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में सूखे के हालातों के चलते उत्पादन घटने की आशंकाएं जताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि वैश्विक उत्पादन घट सकता है। देखिए छुटमुट तेजी बन सकती है, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी के आसार बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, संदीप खटकर जी जिनका सवाल कॉटन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं MCX कॉटन 38,000 के लेवल कब तक दिखा सकता है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, 38,000 के लेवल आपको इस वीक में भी हो सकता है कि तेजी के दौरान देखने को मिले, नहीं तो एक्सपेक्टेड है कि 10 से 15 दिन के अंदर ये लेवल्स एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकता है। जी रूपा जी, दर्शक है विक्रांत जी जिनका सवाल सोया ऑयल को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं सोया ऑयल में क्या आगे जाके तेजी बन सकती है। देखिए उसमें तेजी फिलहाल मुझे उम्मीद नहीं है, मेरे हिसाब से एडिबल ऑयल पैक में फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं सरसों का बाजार आगे कैसा रह सकता है। रूपा जी, हमने देखा है कि जब भी सरसों की नई फसल आती है मंडियों के अंदर तो उसमें नमी की जो मात्रा है, जो मॉइस्चर है, वो लेवल ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो पुरानी सरसों है उसकी मांग ज़्यादा रहती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिन भी किसानों के पास और कारोबारियों के पास अभी सरसों बची हुई है, क्या उनको अभी स्टॉक करके चलना चाहिए और जब नई फसल आ जाए तभी बेचनी चाहिए? देखिए अभी छुटमुट तेजी की तरफ मार्केट हो सकता है कि जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं लग रही है, मेरे हिसाब से तो इन लेवल्स पर निकाल देना चाहिए, माल आगे चलकर और ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, दर्शक हैं हमारे साथ जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं चने में क्या भाव रह सकते हैं आगे, चने का बाजार कैसा रह सकता है। देखिए चने में भी दबाव का ही माहौल है और फिलहाल चने के अंदर प्रेशर बना रह सकता है, मेरे हिसाब से चने के अंदर भी बिकवाली में ही रहना चाहिए और अभी फिलहाल फ्रेश बाइंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए। जी रूपा जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप आज एग्री कमोडिटीज में, जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए एग्री कमोडिटीज के अंदर मुझे लगता है यहाँ से अभी फिलहाल जो है तेजी की तरफ बिनोला खल जाता हुआ दिखाई दे सकता है, मसालों में भी तेजी है और ग्वार एक अच्छी खासी ग्वार के अंदर अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इन कमोडिटीज के अंदर करेक्शन के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। आज एक करेक्शन आ सकती है ग्वार के अंदर, उस करेक्शन के अंदर आपको बाइंग की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि एग्री कमोडिटीज के अंदर सबसे पहला बिनौला खल, दूसरा मसाले, तीसरा ग्वार, तीन कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो आपको आज अच्छा मुनाफा देती नज़र आ सकती हैं और आने वाले समय में भी काफ़ी शानदार रिटर्न देती नज़र आ सकती हैं। तो इन कमोडिटीज़ के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं और ख़रीदारी करके चल सकते हैं। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट MCV पर।